Okay, Neha and Nitin song, Maggie and Nitin. So this is the five sentences we have in this true or false. So what is the meaning of first sentence, and if it is true, you have to write the tree for true, and if it is false, you have to put the F in front of that wrong sentence. Okay, the true means sahi and the false means galat. आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है जो कि स्टोरी लाइन में हुआ था, एंड देन यू हैव टू पुट द टी एंड एफ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. अम्मा टुक नेहा एंड नितिन टू द जू. अम्मा नेहा और नितिन को चिड़ियाघर ले गए थे. इफ इट इज ट्रू यू हैव टू पुट द टी, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. अम्मा बहुत बिजी थी इसलिए वो नेहा और नितिन को जू नहीं ले गए थे. सो वी हैव टू पुट द एफ हेयर बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द बीवी फ्लू इन टू द हाउस. मधुमक्खी उड़कर घर में चली गई. This is also a false statement. If you know the answer, I mean if you know the story, you guys know that कि जो मधुमक्खी थी वो घर से उड़कर बाहर गार्डन में गई थी, ना कि वो घर में आई थी. So what is the answer of that second number? False. Okay, the bee flew into the garden, not into the house. The children ran after the bee. बच्चे दौड़कर मधुमक्खी के पीछे भागे थे. यस इट इज़ ट्रू. जब नेहा एंड नितिन ने मधुमक्खी को देखा था घर के अंदर, तो जब मधुमक्खी गार्डन के तरफ गई थी तो नेहा नितिन भी दौड़ते हुए उनके पीछे गए थे. एंड इट इज ट्रू स्टेटमेंट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट द टी इन फ्रंट ऑफ दिस राइट स्टेटमेंट. देन वी हैव नंबर फोर. द कैट वॉज वैगिंग इट्स टेल. ओके, तो जो वो बिल्ली थी जो लास्ट में उसकी मम्मा दिखाती है, लुक समथिंग इज स्पिनिंग अराउंड योर सेल्फ. देन नेहा सॉ द कैट. सो द कैट वॉज वैगिंग इट्स टेल. जब वो अपना सर नेहा के पैरों में लगा रही थी तब वो साथ ही साथ क्या कर रही थी, अपने पूंछों को हिला रही थी. वैगिंग मीन्स होता है हिलाना. तो कैट वॉज वैगिंग इट्स टेल, क्या बिल्ली अपने पूंछ को हिला रही थी? सो इट्स फॉल्स. वो अपने सर को हिला रही थी, वो हिला भी नहीं रही थी, वो अपने सर को नेहा के पैरों में बस रब कर रही थी. ओके, तो वो पूंछ को नहीं हिला रही थी. ओके, लेट मी सी, आई एम नॉट श्योर. So this is the false statement. The cat was not wagging its tail in the story. So we have to put the F. Then we have Neha and Nitin saw many animals. Yes, Neha and Nitin saw many animals. Neha and Nitin ने बहुत सारे जानवरों को देखा था, but not in the zoo, at around themselves. उन्होंने बहुत सारे जानवरों को अपने आसपास देखा था. उन्होंने cows देखी, गाय देखी जो सड़क पे जा रही थी, dogs देखे. Okay. So Neha and Nitin saw so many animals. In the around themselves, not in the zoo, क्योंकि मम्मा उन्हें zoo नहीं ले जा पाई थी because वे busy थी. So this was the true or false. Okay, so you have to write down these exercises in your notebook.